दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सा सिंगल स्टोरी हाउस डिज़ाइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे, सर कि ऐसा मकान दीजिए जो बेहतरीन सा लुक हो और सिंगल स्टोरी में लो बजट हो। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया। पूरा डिस्कस करेंगे आज हम इस मॉडल को। और इसका जो अगर हम बात करें थ्री साइड, तो ये आपका थ्री साइड क्लोज्ड है। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने सारा डिज़ाइन ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन करके आपको दिया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक बारंदा कार पार्किंग की जगह, हालांकि ये कार पार्किंग की जगह एक्स्ट्रा जगह में है, जो मैंने मॉडल क्रिएट किया उसका साइज़ जो है लगभग मैं 26x36 मतलब 36x36 फ्रंट में, जिसमें 26 इसका फ्रंट है और 36 इसकी लंबाई है। तो इसी मॉडल का बेहतरीन सा लुक जो आप देख रहे हैं, इसी प्लान का पूरा मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार आप आए हैं, तो नीचे जब आप वीडियो देखते हैं कि लाल कलर का बटन आता है, उस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। और हमारे चैनल पर विजिट करने से आपको विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स मिलते रहते हैं, जो आप बनवा सकते हैं, अपना आइडिया लेकर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो कि सिंगल स्टोरी बेहतरीन सा डिज़ाइन के साथ मैंने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले अगर इसे जूम करके दिखाना चाहें आपको, तो ये देखिएगा, जूम करके आप देख सकते हैं इसका विंडो का डिज़ाइन, इसका रेलिंग का डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जो भी पूरा मैंने मकान क्रिएट किया है। और फ्रंट से आप कैसा दिखने वाला है, ये देखिए कार वगैरह पार्किंग मैंने कर रखी है, हालाँकि ये एक्स्ट्रा जगह में है, वो 26x36 फुट में इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं, तो ये इसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है प्रॉपर तरीके से। फ्रंट आपका ये है, यहाँ से आप स्टेयर्स दिए हैं जहाँ से आप ऊपर जाएंगे। साइड में आपका एक बारंदा देखिए दिया है, पिलर के ऊपर एक पूरा बारंदा टिका हुआ है। यहाँ पर मैंने और भी यहाँ पर डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ रेड वाइट कलर की चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। यहाँ पर एक मैन खड़ा कर दिया। और ये आपका गेस्ट रूम है जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक विंडो का डिज़ाइन और दो कलर में जो वॉल्स हैं उनको मैंने दो टेक्सचर में दिया है। और ये इसका डोर है जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। अब बीम के बाद इसका मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे। तो अगर गेस्ट रूम में अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये ही आपको पहले गेस्ट रूम मिल जाता है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं गेस्ट रूम में। इसके बाद फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट विंडो डोर आपका ये, यहाँ से अंदर जाएंगे और साइड में विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो जैसे आप अंदर जाते हैं, तो ये देखिएगा आप एक बड़े से आंगन में पहुँच जाते हैं। जैसे आप बड़े से आंगन में पहुँचते हैं, आप इसी आंगन से आपकी सभी जगह एंट्री हो जाती है। तो इस आंगन से पहले मैं लेफ्ट हैंड एरिया को कवर्ड कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पर ये वाला देखिए बेडरूम मैंने क्रिएट किया है, इसका डोर ये दिया है। इसके बाद इस बेडरूम और फ्रंट वाले बेडरूम के बीच में बेहतरीन सा बड़ा सा किचन, लगभग आपका 10 से 12 फिट का किचन मैंने क्रिएट किया है, बड़ा सा किचन, जिसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम। इसके बाद ये देखिए स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चढ़ेंगे और टर्न होकर वापस आ जाएंगे। स्टेयर्स के जस्ट राइट हैंड साइड में एक आपको और बेडरूम मिलता है, इसका विंडो ये दिया है। इस बेडरूम से दोस्तों ये एक अटैच्ड लेटेंट बाथ मैंने दिया है। इस वाले बेडरूम से देखिए मैंने डोर दिया है, अटैच्ड लेटेंट बाथ दिया है। एक कॉमन लेटेंट बाथ और है, ये आपका देखिए कॉमन लेटेंट बाथ और है। तो कुल मिलाकर इस घर में 3 बेडरूम, किचन, 2 लेटेंट बाथ, बारंदा जो कि आप आगे देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा डिज़ाइन, कार पार्किंग एक्स्ट्रा जगह में है, ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाती हैं। ये देखिए आप प्रॉपर तरीके से देख लें ग्राउंड फ्लोर का नक्शा क्या है और इस मॉडल का डिज़ाइन क्या है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, मतलब फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, तो ये देखिएगा चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री। और इसके बाद आगे का जो लुक है, आगे का जो रेलिंग वगैरह मैंने दिया है, वो बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करके दिया है। और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से ब्लैक कलर के आप देखिए देख रहे होंगे लाइनिंग सी। और इधर देखिएगा जो मैंने क्रिएट किया कॉर्नर पर, ऐसा स्टाइल क्रिएट किया है इसका, ये बीम क्रिएट किया है। और ये चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंडी। और ये पीछे आप देखिए देख पा रहे होंगे ये घुमटी है, जो कि स्टेयर्स को ढकने के लिए, जो मैंने स्टेयर्स नीचे बनाई हैं उसी के ऊपर आप घुमटी मैंने बना रखी है, जिसमें यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए देखिएगा ये मैंने झरोखे टाइप के काट रखे हैं। और फ्रंट में आपका डोर है जिससे आप छत पर आ पाएंगे। और ये आपका रूफ है, हालांकि रूफ में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है डिजाइनिंग के पर्पज़ से। तो ये एक बेहतरीन सा मॉडल 26x36 में आपका बना सकते हैं, और ये मॉडल भी बेहतरीन सा लग रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे, अगर आप हमारे वीडियो लाइक करें, अच्छे लगते हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत से लोग हैं दोस्तों चैनल को
सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो आपसे गुजारिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लाल कलर के बटन को दबा के, इससे हमारे वीडियो आपको आते रहें। अगर इसके कॉस्ट की बात करें, इसका कॉस्ट इस्टीमेट करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर विजिट करें और स्मॉल हाउस प्लान सर्च करें, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड करें, या डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मटेरियल और ओवरऑल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करके बता दी जाती है, जिससे आप अपने घर का कॉस्ट भी निकाल सके बनवाने से पहले। तो मॉडल कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।